अभी ना हम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी कर दी है। वेलकम टू गुलमर्ग कश्मीर। क्या हुआ? सो गाइस, गुलमर्ग से वापसी में ना हम आ चुके हैं बाबा ऋषि। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज यूरी भाई। सो गाइस, ये व्लॉग ना लास्ट व्लॉग होने वाला है कश्मीर सीरीज का। तो फिलहाल मैं तो अपने घर पहुंच चुका हूं, अभी एडिटिंग खत्म करके फारिग हुआ हूं, तो इंट्रो बना लेता हूं। तो हमारा व्लॉग देखिए फुल और इंजॉय करिए। तो गाइज, अब हम आ चुके हैं वॉइस ओवर में। तो फिलहाल हम ना फैमिली के साथ होते हैं तो अच्छे से व्लॉग शूट कर नहीं पाते, तो इसलिए ना हम गुलमर्ग की तरफ निकलते हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ से हम गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में शूट करते रहते हैं और गुलमर्ग पहुँचते हैं। फिर आप व्यू चेक करो, इतना ही लेवल का व्यू होता है, इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह होती है। हर चीज़ को हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन जो जो कैप्चर किया वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहुँचते हैं हम पहले अपनी लोकेशन साइड पर, वहाँ से आके व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ब्यूटीफुल व्यूज़ को देख के हमारा मन कर जाता है कि हम यहीं पे रहें, लेकिन फिर हमें वापस से आना पड़ता है अपनी लोकेशन साइड पर। हम घूमते हैं, थोड़ा घूम फिर के फिर चलते हैं। अभी ना हम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी कर दी है पार्क, उसके बाद चलेंगे। वो देखो वहाँ पे ना हुआ है, आई थिंक वहाँ मेला लगा है, तो यहाँ से चलते हैं आगे। तो रात को ना हम अमजीत के घर ठहरे थे, वहाँ स्टे किया था, तो अभी फिलहाल हम इसके साथ जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं। तो गुलमर्ग के अंदर इंटर होते ही हम वहाँ से ना घूमते घूमते गंडोला राइड देखने के बाद वहाँ से घूमते 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 आए यहाँ पे। अब ये स्टैंड को क्रॉस करके आगे चलते हैं। तो यहाँ से कुल्फी खाते खाते आगे चलते हैं अपने खाने। और भीड़ देखो भाई साहब, कितने टूरिस्ट आए हैं। तो ये कुछ व्यू रहा, बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पे रील भी हम ट्राई करते हैं बनाने की। अगर तो लेवल की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें रिजोरी बॉय के नाम से। और यहाँ पे ये लगे हैं झूले वगैरह भी हैं। अभी ना हम घूमते घूमते ट्रैवल करते करते यहाँ पे आ गए हैं। वो उस एरिया से घूम घूम के अब आए, अब यहाँ पे मेला लगा है, इस तरफ से हम घूमते जाएंगे उधर, फिर चल के खाना वगैरह भी खाएंगे। वही आप ये बताओ कि इनमें से किस झूले पे बैठना चाहोगे आप? सर्कल वाले पर गिरे, वो जो बीच वाला। यार कुछ नहीं है, ये बेले में लगता था हमारे घर के पास, मैं बचपन से खा खा के तंग आ गया। आप कोई बड़े वाला होता ना यार, फिर मज़ा आता। गाइस चेक करो, अभी हम बिल्कुल झूले के पास आ चुके हैं। अभी ये रेलगाड़ी आ रही है। चल चल, किस में चलना चाहता है तू मुझे बता। ऑनलाइन तो होते नहीं, तो कैश तो मार के खाएंगे। यही तो मसला है, बस ऑनलाइन कहीं चलना चाहिए, कैश नहीं है ना, कैश की तो दिक्कत है। ये देखो चेक करो, चेक आउट। सो टिकट भी यहाँ से हमने ले ली। चलो चलो चलो, तो टिकट हो गया, अब हम चलते हैं इस वाले झूले में चलेंगे। जबीर भाई बोल रहे हैं हमारे साथ बैठो झूले में, चलते हैं यहाँ से अंदर। हम यहाँ पे इंटर हो चुके हैं अभी, अब हमारी बारी पता नहीं कब आएगी। ये यहाँ पे वेटिंग में लोग खड़े हैं। बिना हम गुलमर्ग में राइड करने वाले हैं इस झूले की। नर्वस तो नहीं हो आप? नर्वस तो नहीं हो आप? हाँ बहुत। तो अभी ना जबीर भाई का जो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे झूले में बैठे ना, देखते हैं। आप डरने की कोई बात नहीं, आप आराम से जाना, ठीक है।
आज ये हमारा राइड जो है गंडोला में नहीं झूले में होने जा रही है गुलमर्ग के अंदर। हम आ चुके हैं अंदर, ये झंडा बाहर मौत का खेल होने वाला बच गई। तो हमारे साथ जो था बंदा वो इसमें बैठ चुका है हमारे साथ में। हाँ जी सभी, हम सबसे ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से मैं व्यू उतार रहा हूँ आपको गुलमर्ग का। और चेक करो और इस बंदे का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसकी आज बुरी हालत होने वाली है। मैं तो आगे भी इस पे बैठा हूँ आगे की। वेलकम टू गुलमर्ग कश्मीर। वीर भाई कैसा फील कर रहे हो आप? घबराने की कोई बात नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? So guys, अभी ना हमारी राइड खत्म हो रही है। ना वीर भाई बहुत थक चुके हैं, खत्म हो चुके हैं अंदर से। So guys, अभी ना हम तो उतर चुके हैं झूले से, एक हमारा बंदा ये रह गया ऊपर, बस ये आए फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो अब हम यहाँ से चलेंगे खाना खाने के लिए, डायरेक्ट मिलते हैं आपको खाना खा के। हम ना गुंडोला राइड भी करने जा रहे थे, लेकिन इशू ये है कि अभी ना बर्फ़ ऊपर खाया नहीं है तो उतना मज़ा नहीं आएगा। विंटर के सीज़न में अगर बंदा जाए ना ऊपर, फिर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, पूरा ग्लेशियर बना होता। वो हम वहाँ से निकले थे, अब यहाँ रेस्टोरेंट से हम वाटर बॉटल्स ले रहे हैं तीन खाना खाने के लिए। अब पानी तो पीना पड़ेगा, फिर चलते हैं। तो अभी ना हमने खाना वगैरह भी खा लिया, अब हम यहाँ बैठे हैं थोड़ी चिल्ड हवा में, ठंडी ठंडी हवा है यहाँ पे। और व्यू देखो भाई साहब, ये ठंडी ठंडी हवा इन दरख्तों के कारण आती है। तो यहाँ पे ना हम थोड़ी देर रुके थे, यहाँ फोटोग्राफी फोटोशूट वीडियोग्राफी सब कुछ हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं, दूसरी लोकेशन भी जाएंगे। यहाँ पर भी एक रील बनाई हमने। तो गाइस गुलमर्ग से वापसी में ना हम आ चुके हैं बाबा ऋषि, यहाँ से अंदर जा रहे हैं। जबीर भाई ना सही तरीके से थक टूट चुके हैं, है ना। तो अभी ना बाबा ऋषि की जो ज़ियारत है वो हम आपको दिखाएंगे। और ये आगे कितना ट्रैफिक है यहाँ पे। यहाँ ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है और विकेट देखो सिलेंडर रखा हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दुआ वगैरह कर ली, अब यहाँ से चलते हैं फिलहाल। अब आ गए हैं यहाँ की मार्केट में। तो वीर भाई ना अपनी भांजी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी ना हम वापस से आ गए हैं, अब यहाँ से निकलेंगे गाड़ी पे, चलेंगे वापस बारामूला। तो गाइस अभी ना हम अपनी बुआ के घर हैं। पानी नहीं है। बाय बाय। तो अभी ना हम पार्क में आए। जबीर भाई कैसी पार्क है ये वाली? अभी 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 आया मैं ब्रो, अभी कोई पता नहीं कैसी। तो
तो गाइज उसके बाद ना पीर गली से होते हुए हम अपने घर आ गए थे। एक दिन रात को वहाँ स्टे किए, फिर मैंने व्लॉग वगैरह बनाना बंद कर दिए थे क्योंकि तबीयत भी थोड़ी डाउन हो गई थी। तो उसके बाद हम घर आ गए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर तो आपको अच्छा लगा लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।